रवि जी मुबारक हो, आपको सीएम साहब ने क्या बनाया है? मैं सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री अवतार बढ़ाना जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री फूलचंद मौलाना जी का, जिन्होंने मुझे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का पब्लिक स्पोक्समैन नियुक्त किया। मैं समझूंगा ये नियुक्ति एक मेरे ऊपर बहुत ही अच्छी सोच के साथ जिम्मेदारी का कार्य है। मैं आप सब लोगों के गुड विशेष से, आप सब लोगों के प्रेयर से और उस भगवान के आशीर्वाद से अपने इस कर्तव्य का पालन करता हुआ शायद सक्षम होने का पूरा प्रयास करूंगा। इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे आप? आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं जो है। मैं एक इंडस्ट्री, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हरियाणा राज्य जिसकी साख दूर दूर तक एक इंडस्ट्री के मामले में बहुत ही अच्छी जानी जा रही है, मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि इवन विदेशों के अंदर भी कुछ ऐसे हमारे इंडस्ट्री के चैम्बर्स एसोसिएशंस हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट की सोच इस भारत के अंदर भी अब हरियाणा के अंदर सोच कर रहे हैं। जहाँ तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच था, विचार था, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे दिल्ली NCR के पास फरीदाबाद, गुड़गांव, इन जगहों पे अगर मैं इंडस्ट्री का पहले से ही विकास देखूं तो शायद काफ़ी हद तक आगे बढ़ता जा रहा था। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत अच्छी सोच थी कि उद्योग का विकास सिर्फ एक NCR के एडजॉइनिंग क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये विकास सारे हरियाणा के क्षेत्रों में होना चाहिए। और सारे हरियाणा के क्षेत्रों में एक उद्योग के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बनाने के लिए, IMT की स्थापना करने के लिए पूरे यत्न किए, पूरे प्रयास किए और वो लेकर आ रहे हैं। अभी हाल में ही IMT फरीदाबाद, जो कि एक 1500 एकड़ के अंदर हरियाणा सरकार ने हरियाणा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से IMT फरीदाबाद डेवलप किया जा रहा है, उसमें एक बहुत अच्छी सोच रखी गई कि जो फरीदाबाद के नॉन कन्फर्मेटिव एरियाज के अंदर उद्योग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बरसों से कार्य कर रहे हैं, तो ये सरकार की एक सोच थी कि अब हमने एक ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आना है। वहाँ नॉन कन्फर्मेटिव एरिया से लोगों को ये प्रयास किया जा रहा है कि इनको एक कन्फर्मेटिव जोन के अंदर लाया जाए और वहाँ प्लॉट अलाटमेंट का कार्य भी संपन्न हो चुका है। और बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात यह है कि हमारी हरियाणा सरकार की तरफ से एक 50% रिजर्व किए गए प्लॉट उन उद्यमियों के लिए कि जो आज नॉन कन्फर्मेटिव एरिया में कार्यरत हैं, उनको कहा गया कि आप अपने एक इंडस्ट्रियल जोन IMT फरीदाबाद के अंदर आप शिफ्ट करेंगे तो हम आपको ये प्रायोरिटी बेसिस पे प्लॉट का अलॉटमेंट करेंगे। तो इससे एक उद्योग उद्यमियों को एक बहुत ही इंस्पायरेशन आई है, सराहना आई है और उनके इस ट्रस्ट को मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिला है। फरीदाबाद ही नहीं, अगर मैं ये देखूं IMT रोहतक, उसका भी एक बहुत अच्छा नक्शा सामने उभर कर आया है। हमारे सोना के पास रोजका के अंदर हरियाणा सरकार HSIDC एक बहुत अच्छा IMT वहाँ भी लेकर आ रही है। भावल के अंदर देखें, साहा के अंदर देखें जो डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में है, और यहाँ तक कि एक दिल्ली के बिल्कुल पास खरखोदा के अंदर भी एक IMT हमारे पास सरकार देने आ रही है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी कि जब तक हम NCR एरिया के एडजॉइनिंग एरियाज की में इंडस्ट्री का विकास नहीं करेंगे तो ये जो क्राउड है एडजॉइनिंग एरिया में, इसको हम तब तक कम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत एक अच्छे संदेश प्राप्त हो रहे हैं, सराहना के संदेश मिल रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टर जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब को अभी आने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच बनाकर आ रहे हैं, वो एक हरियाणा सरकार को एक अप्रोच करेंगे और वो इन तमाम इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन्स के अंदर अपना निवेश करने के लिए आगे भी बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है और हर तरह से विकास की तरफ जो आगे बढ़ता हुआ हमारी सोच है, और ये सोच के साथ मैं समझता हूँ कि हमारे ये राज्य का विकास उद्योगपति एक अच्छे ढंग से आगे लेकर जाएंगे।